नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल। दोस्तों, मैं रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेके, एक नए टॉपिक पे, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। आज इंडिया के रैंक बताएंगे हम, जो भी ग्लोबल इंडेक्स होते हैं आपके, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स हो, चाहे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हो, हर चीज़ के बारे में बताया कि इंडिया की रैंकिंग इसमें जो खास होती है वो इंडिया की रैंकिंग हो, कि इंडिया की क्या रैंक है। देखिए, आपको चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, खास करके UPPCS आप देखेंगे, UPPCS, MPPCS, गुजरात PCS और भी जो भी PCS होते हैं, प्लस UPSC जिसकी अभी वैकेंसी अभी कल या परसों में रिलीज़ हुई है, 19 तारीख को रिलीज़ हुई है। तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो आपके पास एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा इन ग्लोबल इंडेक्स से। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के ध्यान से देखिएगा और एग्ज़ाम से पहले जरूर एक बार देख के जाइएगा, रट लीजिएगा इस इंडेक्स को। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 20 से 25 इंडेक्स होता है, आप 2 से 5 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए रेगुलर। उसके बाद आपके ये कोर्स बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको दोबारा कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी और की वीडियो देख के देखने की जरूरत है। चलिए, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको अपने आप इंडेक्स याद जाएंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं उन एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। अब नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से फ़ायदा क्या होगा, जो भी हमारे नए वीडियोज होते हैं, फ्रेश अपडेट्स होते हैं, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे रिलेटेड हो, चाहे आपका रेलवे से रिलेटेड हो, हम लोग हर चीज़ की वीडियो बनाते हैं, सबसे फास्ट सबसे पहले बनाते हैं। वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचा दें, ताकि उन तक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए और जो भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं उन तक भी पहुँचे, उन लोगों की मदद भी हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियोज में, आगे बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आज ग्लोबल इंडेक्स की। तो जो ये आपका है, आपका इंडिया की रैंक बताएंगे हम लोग वेरियस इंडेक्सेस में, जो भी आपके हमने इंडेक्स ले रखे हैं, ये सब किसके इंपॉर्टेंट है, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करता हूँ। देखिए, इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा, मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊँगा तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि मैं कौन कौन सा बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला इंडेक्स आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन देता है, आप लोगों को 3 चीज़ याद रखनी है, इंडेक्स कौन सा है, कौन रिलीज़ करता है, इंडिया का रैंक क्या है और फर्स्ट रैंक पे कौन है, 4 चीज़ याद करनी है। तो पहला कौन सा है, पहला आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कौन रिलीज़ करता है, यूनाइटेड नेशन। इंडिया का रैंक कितनी है, 130, फर्स्ट पे कौन है, नॉर्वे। सेकंड आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक। इंडिया का रैंक कितनी है, 115, फर्स्ट पे कौन है, सिंगापुर। नेक्स्ट आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी जो भुखमरी है इंडिया में वो कहाँ कितनी है, तो इंडिया उसमें 103 आता है, मतलब सबसे ज़्यादा भुखमरी कहाँ पे, इंडिया में 103, मतलब 103 आज भी हमारे देश की जो 20% पॉपुलेशन है भूखी सोती है। सबसे ज़्यादा भुखमरी कहाँ पे है, बेलारूस, जहाँ पे 70% के लोग ज़्यादा भूखे सोते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस जिसके हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने के लिए हमारे कौन सी रैंक है, 77 रैंक है, मतलब बिजनेस करने में दिक्कत है हमारे यहाँ, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म अटैक, सबसे 7वां खतरनाक देश भारत रहने के लिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा देश है, इराक है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, 8वें नंबर पर आता है, क्लाइमेट मतलब किस हिसाब से चेंज होता है, इसको कौन देता है, कैन देता है, जर्मनी कंपनी है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, देखिए आपको इंसान को फ्रीडम कितनी दी है, कितनी ज़्यादा उसको आज़ादी दी है कि वो कुछ बोल सके कर सके, तो इसमें कौन सा हमारा देश आता है, 110वें नंबर पर आती है हमारी कंट्री इंडिया, नंबर वन में कौन सा है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 108, नंबर वन पे कौन है, आइसलैंड। अब ग्लोबल जेंडर इंडेक्स क्या होता है, मतलब जो लड़का लड़की उनके भेदभाव जो होता है उस चीज़ को देखते हुए ग्लोबल जेंडर इंडेक्स मिलता है, तो वहाँ पे 108वें नंबर, यानी हम लोग बहुत पीछे हैं आज भी, हमारे देश में लड़का पुरुष प्रधान देश माना जाता है और लड़कियों को थोड़ा उनसे पीछे ही माना जाता है। नेक्स्ट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कौन सी है, 57 रैंक है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से कहाँ माइग्रेट होते हैं, सब लोग क्या होते हैं, इंडिया माइग्रेट होते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है इसमें, इंडिया ही है। ई कॉमर्स डेवलपमेंट, ई कॉमर्स यानी कि जो आपकी वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब क्या है, ई कॉमर्स हम लोग साइट से ऑनलाइन खरीदते हैं, तो इसमें भी इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 96, यानी कि आप डिजिटल पेमेंट कह सकते हैं आप लोग, उसमें हम लोग कितने हैं, 96 नंबर पर हमारी रैंक आती है। नेक्स्ट आपको ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स, यानी कि ये कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसमें हमारी रैंक 58 है, यानी हम कितना कॉम्पिटेटिव है, कितने ग्रोथ कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल फिजिकली मेंटली ग्रोथ जो होती है वो सब आपका आता है ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स। ई कॉमर्स डेवलपमेंट इंडेक्स में 96 रैंक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स,
मतलब आप कोई शहर में रह सकते हैं आराम से। तो ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड का ऐसा देश है जहाँ पे आप लोग आराम से रह सकते हैं विदाउट पॉल्यूशन। जो दिल्ली के रैंक है 112 है, मुंबई की रैंक 117, जो कि बहुत वर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे। नेक्स्ट आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि जो भी अच्छी अच्छी इंटेलेक्चुअल चीज़ होती है, कोई पेटेंट होते हैं, तो इंडिया उसमें रैंक में कितना है, 57 नंबर पे है। ह्यूमन कैपिटल स्कोर पे 158 है, बहुत बेकार हालत है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स में कितनी है, 147 है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम में कितनी है, 130th रैंक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 177, बहुत ही पुअर कंडीशन है हमारे पॉपुलेशन, आपको पता ही है। आए दिन आप लोग देखते हो कि PM 2.5 ज़्यादा हो रहा है, PM 10 ज़्यादा हो रहा है, PM 5 ज़्यादा हो रहा है, तो उसी लिए जो हमारी रैंकिंग दी गई है, 177 दी गई है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट आपका इंडेक्स ऑफ टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस, उसमें 81 हमारी रैंक है। वेल्थीएस्ट कंट्री जो आपकी, आपको पता है कि हमारा इंडिया क्या है, 6th लार्जेस्ट GDP बन गया है, नंबर उन पे कौन है इसमें, USA। करप्शन में भी देखिए हमारी कंट्री क्या है, 81st पोजीशन पे, यानी हमारे कंट्री में क्या है, करप्शन भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। सबसे कम करप्शन वाली कंट्री कौन सी है आपकी, न्यूजीलैंड, वहाँ पर 0 करप्शन है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट जो है आपका, वो कौन देता है, US चैम्बर्स देता है, इसमें 44th नंबर पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 133, देखिए 2017 में ये रैंक थी 131, यानी कि ये हम लोग और भी ज़्यादा दुखी हो गए हैं। 133 रैंक का मतलब है हम लोग और भी ज़्यादा दुख हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ के लोग हैं, फिनलैंड के लोग हैं, बहुत खुश है, चाहे वो सरकार से हो, जॉब से हो। देखिए हमारे यहाँ पहली बात तो कोई खुश रहना चाहता ही नहीं है, और जो रहना चाहता है उसको लोग रहने भी नहीं देते। अब पैसे, जिसका पैसा कम है तो दिक्कत है, नौकरी नहीं है तो दिक्कत है, बीवी नहीं है तो दिक्कत है, गर्लफ्रेंड नहीं है तो दुखी है, हर चीज़ में हम दुखी ही दुखी है, केवल सुख ही कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए जो अब ये मत कर दीजिएगा इसके लिए मोदी जिम्मेदार है, ठीक है। तो मोदी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो हर चीज़ के लिए मोदी को जिम्मेदार नहीं कह सकते। हम लोग खुद भी खुशी बांटनी चाहिए और खुश लोग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी रैंक में पीछे होते जा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये सर्वे सही है, इंडिया में लोग खुश, 90% लोग अपने जॉब से परेशान हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सस्टेन नहीं कर रहे, ठीक है। और भी बहुत सारे फंडामेंटल्स होते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बिजनेस करने के लिए क्या क्या है, उसमें 77th नंबर पे है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, उसमें 78th रैंक है। इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लेंगे ना, बस आप लोग को हर एग्जाम के लिए फायदा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो सब में पास हो जाएंगे आप लोग। हुरैन ग्लोबल रिच लिस्ट में जो आपका नाम हो, उसमें 3rd नंबर पे आया है इंडिया, फर्स्ट नंबर पे है चाइना, तो याद रखिए ये बात जरूर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताया मैंने आपको पहले भी। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें कितने नंबर पर हमारी, 103, यानी कि हमारे देश में भूख बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा भूखे लोग कहाँ पे हैं, बेलारूस में। क्लाइमेट परफॉर्मेंस चेंज इंडेक्स, इसमें 14th रैंक है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, मतलब जितने बुद्धिमान लोग वर्ल्ड में रहते हैं वो हमारे देश में कितने हैं, 51st नंबर पर। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग कहाँ पर रहते हैं, इसका मतलब स्विट्जरलैंड में रहते हैं। नेक्स्ट आपका बेस्ट कंट्रीज फॉर बिजनेस, यानी कि फोर्ब्स के हिसाब से इंडिया में बिजनेस करना कौन सा बेकार ही है, सबसे ज़्यादा बिजनेस करने का फायदा यूके में फायदेमंद है। इंडिया कितने नंबर पे है, 62 नंबर पे आता है। पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, इंडिया का 75th नंबर पे आता है, यानी कि हमारे देश का पास जो पासपोर्ट है वो केवल ज़्यादा 10 से 12 कंट्री में चल सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं चल सकता। तो ऐसे ही आप मानेंगे सिंगापुर नंबर वन, जो सिंगापुर नंबर वन उसका वीज़ा कहाँ चल सकता है, उसका पासपोर्ट 75 कंट्रीज़ में चलता है। कि आप सिंगापुर का वीज़ा दिखा देंगे, पासपोर्ट दिखा देंगे, तुरंत तो आपको वीज़ा दे देगा। तो 75 कंट्रीज़ में उसका चलता है, क्या पासपोर्ट चलता है, नंबर वन कौन सा है, सिंगापुर। इंडिया कौन सी रैंक पे है, 75। इंडिया कितने कंट्री चलता है, 10 से 15 कंट्री में चलता है, ठीक है। 5-6 तो पड़ोसी देश ही हो गए, और बाकी आपको पता ही है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड मिलिट्री स्पेंडिंग, में 5th पोजीशन हमारी आती है, नंबर वन पे US है, US, रशिया, चाइना 4th नंबर होता है, चौथे पे आ गया वैसे अब ग्लोब। तो आपका वर्ल्ड वाइड मिलिट्री कितनी होगी, 5th नंबर पे हो गए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट कितना हो गया हमारे देश का, 62nd नंबर पे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे देता है आपकी जो रैंकिंग है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है, वो उसमें हमारी रैंकिंग कितनी है, 81 है, यानी कि जो हमारे देश में बुद्धिमान लोग हैं उनकी भी कमी है, क्या क्या है, कमी है हमारे देश के, तो 81 नंबर आता है। जहाँ पर टैलेंट की बात आती है हम लोग पीछे हो जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कौन सा, 30 30वें नंबर, मतलब जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, सपोज करिए कोई गाड़ी है, मोटर है, व्हीकल है, बाइक है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें हमारी जो रैंक है वो 30th रैंक है, मतलब लोग 30 नंबर पर आते हैं। नंबर में कौन है, जापान है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कितनी हमारी, 136 रैंक, यानी जो हमारा जो मीडिया है उसको भी ज़्यादा छूट नहीं है कुछ भी अपने मन छापने की, तो उसमें जो हमारी रैंकिंग है 136 है,
सबसे ज्यादा फ्री कहाँ पे है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिनलैंड यहाँ पे क्या है, मीडिया के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं है, कुछ भी छापे कुछ भी लिखे किसी कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है ट्रैवल, ट्रैवल टूरिज्म पे 40th नंबर पे है, जहाँ पे घूमने फिरने से जो भी होता है इंडेक्स में 40 नंबर पे है। नंबर वन पे कौन सा है, स्पेन है। नंबर सेकंड पे कौन सा है, फ्रांस है। नंबर थर्ड पे जर्मनी है। क्वालिटी इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स नेशनलिटी इंडेक्स में क्या है, हमारी रैंक 101 है, जो नंबर वन पे कौन सा है, जर्मनी है, और हॉनले एंड पार्टनर करते हैं इन्हें। नेक्स्ट आपका हेल्थ केयर इंडेक्स, जिसमें हमारी रैंक है 154। देखिए हमारे देश की हेल्थ कंडीशन तो वैसे ही बहुत ख़राब है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जिसमें हमारी रैंक है 91। तो इसी के साथ ये हमारे वीडियोज़ थे जिसमें हम लोग बता दिया आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी हमारे रैंकिंग थे। और भी रैंकिंग है, मैं आपको दे दूंगा PDF, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियोज़ हमारा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।